हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय प्रैक्टिस सेट नंबर 15। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 14 तक बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। और ये प्रैक्टिस नंबर 15 है, ये मेरी खुद की हैंड राइटिंग में है। आप बताना, यह ऐसे नोट्स आपको अच्छे लग रहे हैं या दूसरे वाले हैं? वो मेरा एक फ्रेंड है, वो बनाता है, तो आप मेरे को कमेंट के जरूर बताना ये आपको अच्छे लगेंगे नोट्स या वो वाले PDF। मैं दोनों डाल दूंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं एक भी, क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे हैं लेट, इस वजह से मेरे को बनाने पड़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस नंबर 15 को। तो पहला क्वेश्चन था, उसमें डैश बुलंदखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली जिसका प्रदर्शन मृदंग की छाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। तो इसका आंसर था स्वांग। तो जो MP में है, तो MP के अन्य नृत्य कौन कौन से हैं? तो MP के अन्य नृत्य हैं सैला, भूलपति, सैला भड़ोनी, ज्वारा, परधोनी, अहीर राई, मंच, भरोया, चटकोस। और राय क्या है? गुजरात के गरवा गरवा के समान। गंगौड़ा MP का, मटकिया MP का, ये सारे अन्य हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत में नृत्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार मतलब अवार्ड कौन सा है जो नृत्य डांस के लिए मिलता है? तो संगीत नाटक अकादमिक पुरस्कार, जो पहली बार 1955 में मिला था टी वाला सरस्वती को, और ये भरतनाट्यम से संबंधित है। तो इसका संगीत नाटक अकादमी का अन्य नाम है रविंद्र भवन। स्थापना हुई थी इसकी 1953 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है 2023 के डांसर साहित्य पुरस्कार, तो उर्मिला सत्यनारायण भरतनाट्यम की हैं। परीक्षण महतो छऊ, जगदीश गंगाजी कथक, मार्गी विजय कुमार कथकली, उमा गायत्री कुचिपुड़ी, भावेन बोरवायना सत्रिया की थी। नंबर तीसरा क्वेश्चन है, डांडरिया नृत्य शैली किसकी है? तो ये भारत राज्य में किसकी है? तो ये तेलंगाना की है। इसके डांसर हैं तेलंगाना के पेरिनी शिवतंगन, सिद्धू भागवतम और धीतम लमाड़ी और डप्पू गोसादी। हरियाणा की नृत्य शैली है रतवाई धमाल, केरल की है पड़यानी चक्कियार कूथू, महाराष्ट्र की है बाह्या मुरली लेजम। और नंबर 14 वाद्य यंत्र, कंजरा वाद्य यंत्र है पुद्दकूडई, दक्षिणा मूर्ति फिलई, और जी हरिशंकर की है, पी सुब्रमण्यम पिल्लई की भी है। बांसुरी वादक के पन्ना लाल घोष और मृदंगम के SP राजरो, तबला के किशन महाराज और सितार के हैं गिटार के हैं सॉरी ब्रजभूषण कावरा और वैजूर धर्मराज और तीन एहसोन नोहानी। नंबर 5 है राधा श्रीधर किस शास्त्र नृत्य से हैं? तो ये भरतनाट्यम से हैं। सुधारानी रघुपति अन्यार के लक्ष्मण रमा वैद्यनाथ, ये भी इसी की हैं। कत्थक की हैं शशि शाखला, मणिपुर की हैं अखम लक्ष्मी देवी, सत्रिया की हैं रामकृष्ण तलुकदार। नंबर 6 उत्सव फेस्टिवल, कर्नाटक का है वेरामुंडी कैल पौध, मध्य प्रदेश का है लोग रंग आखाड़ा तीज, और केरल का है निशा गंधी, गोवा का है पटोरपा जात्रा और मांडो वनडरम शिव गुमो मैंगो उत्सव, अंगूर साखो जाओ थ्री किंग सनवर्ण चिक्कल कालो वास्को वीवा उत्सव। नंबर 7 है हमारा क्वेश्चन, हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अलामपुरा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता डैश श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्ध और लोकप्रिय है? तो ये है नौका दौड़ ज़्यादातर होती है, इसे सांप और सर्प दौड़ भी कहते हैं। नाव का अन्य नाम है चुंदन वलम, नेहरू कप है फुटबॉल और जवाहर नेहरू ट्रॉफी है हॉकी। नंबर 8 है खेल स्पोर्ट, बैडमिंटन हॉकी, और इसमें
स्क्वॉश ये भारत के लिए अनाका कोमोडीरा और अनाहत सिंह, सौरव घोषाल और जोशन चिंपला, दीपिका पल्लकल और टेनिस टेबल के हैं शरत कमल, मनीषका वड़ाना, मोमा दास। नंबर 9 है पहला आईपीएल कब हुआ था, तो 2008 में हुआ था और प्रथम विजेता है आर आर और उपविजेता रन अप हुए थे CSK और खिताब मिला था सबसे पहले CSK 5 बार, MI को 4 बार। 2023 में विजेता रहे CSK, उपविजेता GT। 2024 में पहला मैच CSK वर्सेस RCB के बीच हुआ, इसमें CSK विजेता रहा और IPL में सबसे ज़्यादा रन कोहली ने बनाए, विकेट ली चहल ने। और 2024 के IPL का सबसे पहला शतक रविंद्रनाथ कोहली ने 123 रन बना के बनाया था और IPL के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर 287 तीन विकेट पर था। नंबर 10 है फ्री स्टाइल कुश्ती, तीन तीन मिनट के बार दो बार होती है, तो 30 सेकंड का ब्रेक होता है इसमें। ओलंपिक में मेल 1920, फीमेल 2004 और गद्दा जो मैट होती है वो उसका व्यास होता है 9 फिट। 11वां क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला शतक 13 मई 1954 में, पहला आम चुनाव 1951 से 52, नेता पक्ष प्रथम नेहरू, नेता प्रतिपक्ष पहला राम सुवंग और संवैधानिक मान्यता 1977 में। 12 क्वेश्चन है हमारा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक आर्टिकल 110, वित्तीय विधेयक आर्टिकल 17A में। नंबर 13 है संसद के दोनों सदनों के किसी भी सदन के सदस्यों की अयोग्यता निर्धारित की गई है, तो लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं। आंसर है इसका आर्टिकल 102 में और आर्टिकल 3 में अयोग्यता प्रश्न पर निर्णय, आर्टिकल 5 में संसद सदस्य जिसका अधिकार जो इम्पोर्टेंट है। नंबर 14 लोकसभा, तो अनुसूचित जनजातियां आरक्षित सीटें, तो आरक्षित है 47 जो कि है 47 और 84 + 47 138 जो SC और ST लोकसभा का प्रतिशत 24.3 है। लोकसभा मैक्सिमम सीट 552 है, सर्वाधिक ST सीट है MP की। और नंबर क्वेश्चन 15 सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो मोरारजी देसाई के पास है जो 14 PM थे, भारत रत्न प्लस मिशन ए पास मिला था इनको और भारत रत्न 1991 में, मिशन 1990 में। 10 बार और 2 बार अपनी अपनी बर्थडे मनाया जाता है इनको 29 फरवरी को। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, सबसे अधिक उम्र में PM मिले बने 81 वर्ष की है। बुक है इनकी नेचुरल क्योर, 9 बार रिकॉर्ड पेश करने का अधिकार P. चिदंबर को है और 8 बार है प्रणब मुखर्जी। नंबर 16 भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है, तो वित्त मंत्रालय करता है। नंबर 17 हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों को विभाजित था, तो ये इसका शासन काल था 606 से 647 और ये 2 बार विभाजन करता है, पूर्ण में कामरूप असम तक और दक्षिण नर्मदा नदी तक। इनकी बहन राजश्री की शादी ग्रहमेन को हुई थी, इनकी हत्या करी देवगुप्त और शाशंग दोनों ने इनकी हत्या कर दी जो हरियाणा से कन्नौज चले गए थानेश्वर। नंबर 18 है हर्षवर्धन ने दक्कन में कुंजू करने के लिए नर्मदा को पार करने की कोशिश की लेकिन चालुक्य वंश के शासक ने उन्हें रोक दिया, तो ये कौन से संबंधित थे, तो ये पुलकेशन द्वितीय से, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था चालुक्य वंश के शासक हैं पुलकेशन फर्स्ट। एहोल अभिलेख जो पुलकेशन सेकंड से संबंधित है, जैन कवि रवि कृति ने लिखा है, हर्ष और पुलकेशन का युद्ध हुआ जिसमें पुलकेशन विजयी हुए और जी हुआ था 1600-1800 AD में। नंबर 18 एल्कोहलिक अभिलेख संबंध किससे है, तो पुलकेशन सेकंड से है
और मैगुटी जैन मंदिर कर्नाटक में स्थित है, जो इसमें 19 पंक्ति और संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। नंबर 20 है, राजा शशांक किसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह साम्राज्य का शासक था, तो गौड़ा जो पश्चिम बंगाल में है, कान्याकुंजा पुराना नाम है कन्नौज। नंबर 21 है, राजा हर्षवर्धन ने डैस में ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया जिसे प्रद विहार विहार कहा जाता था, तो इसको कन्नौज कहते हैं। और प्रत्येक 5 बार हुआ था मतदान प्रक्रिया, क्योंकि हर्षवर्धन एक ऐसे पहले राजा थे भारत के जिन्होंने सारा साम्राज्य जो भी वो कमाते थे वो सबको दान में देते थे। एक बार उनके पास ऐसी गरीबी आ गई थी कि उन्होंने अपने वस्त्र भी त्याग दिए, और इसे मतदान को हम महामोच परिपक्व भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है कि भारत के कौन से राजा हैं जिसने महामोचक परिषद की उपाधि मिली है, तो ये है हर्षवर्धन। नंबर 22 है, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है, तो शुक्र है जो भोरा का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह को कहते हैं। क्यों कहते हैं सबसे गर्म ग्रह, क्योंकि लोहा ऑक्साइड के कारण यह गर्म ग्रह कहलाता है। तो जो सूर्य है, तो हमारे 8 ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो ये जिन 4 है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक हैं, और जो बीच में हैं वो एस्ट्रोनॉइड होते हैं, और मतलब नक्षत्र होते हैं, उन्हें नक्षत्र ग्रह होते हैं, वो होते हैं, और ये 4 होते हैं वाह ग्रह होते हैं। उनका आकार होता है पृथ्वी का लक्षक गोलाकार, और आकार विषुवत व्यास ये मेन सेंटीमीटर है 12,756, और ध्रुवीय 12,712। नंबर 13, नक्षत्र एस्ट्रोनॉइड ब्लेड कहाँ स्थित है, जो मंगल और बुध के बीच में है। अपृथ्वी ग्रह विल्ड लेट का नाम है शुक्र ग्रह, मंगल को कहते हैं लाल ग्रह भी कहते हैं। नंबर 25 है, हेपो कैप किस ग्रह का चंद्रमा है, तो जो वरुण का है, इसे ट्राइट भी कहते हैं, अरुण को टाइनेनिया कहते हैं, शनि को टाइटन कहते हैं, बृहस्पति को यूपा गैनेली, और सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। तो आपको ध्यान रखना है, तीनों एक जैसे हैं, आप कन्फ्यूजन मत होना। कुल उपग्रह कितने हैं आप देख सकते हो, बुध 0, शुक्र 0, पृथ्वी 1, मंगल 2, बृहस्पति 95, शनि 146, अरुण 27, वरुण 40। नंबर 26 से सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, तो शनि के 146 जून 2023 के अनुसार। 27 है, 2011 की जनगणना, राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो राजस्थान की सबसे कम है, ऑप्शन में ये था, बट इससे कम भी बिहार की है, तो राजस्थान की 52.12 है और बिहार की है 51.50। भारत में महिला साक्षरता 65.46 है, सबसे ज़्यादा केरल की है 92.07। 28 है, 2011 जनगणना में सबसे कम लिंगानुपात है राजस्थान का, जो 928 है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल, और जिसमें 1,884 महिलाएं हैं। कम है हरियाणा 879, पुडुचेरी की हैं 1,037, तमिलनाडु की हैं 996, आंध्र प्रदेश के 993, छत्तीसगढ़ के 991। नंबर 29 है, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य कृषि के प्रचार और विकास के लिए ऋण प्रभाव को सुगम बनाना। इसकी स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 में शिवरामन समिति, और एक्ट है 1981। वर्तमान अध्यक्ष हैं राजीव केवी। बजट स्थापना हुई 100 करोड़, हेडक्वार्टर है मुंबई। 30 क्वेश्चन है, वाणिज्य मतलब कॉमर्स बैंक कौन सी है, तो SBI है, कुल बैंक है 12। वैद्य धारा का पता लगता है कैल्विनोमीटर, और मापना जाता है एवोमीटर। और 32 है, गति और स्थैतिक का योग है कुल यांत्रिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी गति इसके उदाहरण है, बहते पानी और चलती गाड़ी, इसका सूत्र 1/2 mv2। गति ऊर्जा का है mgh, स्थितिक ऊर्जा बांध पानी रुकी हुई गाड़ी। 33 क्वेश्चन है, पलक इस मुक्त वक्स क्या है, इसका फॉर्मूला K2CO3 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। 34 है, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है, तो सबसे पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रिक बंधुता होती क्या है,
तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते बांधते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं उसे कहते हैं। तो सबसे कम है आर्गन की, ज्यादा है क्लोरीन की। सॉरी, वैद्युत ऋणात्मक तो सबसे ज्यादा है क्लोरीन की। 35, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है एओर्टा, इसे महाधमनी भी कहते हैं और इसे रक्त को पंप करने का काम करती है। 36 है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ओ नेगेटिव है और सर्वाधिक ग्राही है ए बी, जो सबसे ज्यादा ग्रहण कर लेता है, हर एक किसी का भी मिल जाए जो ग्रहण कर लेता है। रक्त समूह की खोज की थी 901 में कार्ल लैंडस्टीन ने और रक्त परिचन तंत्र सर्कुलेशन की खोज की विलियम हार्विन ने। 37 है, असम राज्य में नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ वेलो का अनावरण किया। स्टैचू ऑफ वेलो किसकी समर्पित है? तो योद्धा ललचित बोरफुकन के समर्पित है। तो ये क्वालिटी स्टैचू ऑफ क्वालिटी संत राम नुजाचार हैदराबाद, स्टैचू ऑफ प्रॉपर्टी श्रीनाथ कैंपागोड़ा बेंगलुरु कर्नाटक, और नॉलेज स्टैचू ऑफ नॉलेज वी आर अम्बेडकर लातूर महाराष्ट्र, स्टैचू ऑफ यूनिट वल्लभ भाई पटेल गुजरात नर्मदा, स्टैचू ऑफ पीस विजय वल्लभ पाली राजस्थान। 38 है, श्रीनाथ वीर महोकोवा उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। 2023 और 2024 के इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो ये हैं परक उत्सव नई दिल्ली केला एमपी डोचमोचे लद्दाख और इंटरनेशनल ऊंट बीकानेर राजस्थान, गोले मेला उधमपुर कारवी युवा असम, चुब्बी उत्सव असम। 39 है, भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस जिले में खोला गया है? तो डॉल्फिन राष्ट्र जलीय जीव 2018 में पटना में खोला गया। 2024 में नीति कुमार सीएम ने इसका उद्घाटन किया था। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लेटेनिस्टा गैस्ट्रिका। तो ये इम्पोर्टेंट है, सारे वैज्ञानिक नाम इम्पोर्टेंट होते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 96 अकादमी पुरस्कार 2024 में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। तो ये ओपिनियस को दिया गया है ऑस्कर। 2024 में 29 को शुरू हुआ था, कोकेडिक थिएटर देता है इसे और AMPAS द्वारा मिलता है, तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट साइंस। तो बेस्ट एक्टर थे इसके सिलियन मर्फी और बेस्ट डायरेक्टर थे क्रिस्टोफर नॉलेज। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आप कमेंट में जरूर बताना कि 96 में ऑस्कर पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला था। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिस है नंबर और मेरी खुद की राइटिंग में आपको पसंद आया होगा। अब मैं PDF डाल दूंगी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से ले सकते हो। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ प्रैक्टिस नंबर 16 को। तो आपको जब तक आप इसे अच्छे से रीड कर लेना और ये हैंड राइटिंग कलरफुल पेन से आपको कैसे लग रही हैं तो वो भी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि ये मैंने खुद से लिखी है। वो मेरे एक फ्रेंड था, वो लिखता था उस, वो भी अब भी लिखता है, उसकी PDF आएगी तो मैं आपको सेंड कर दूँगी। अगर आपको ये अच्छे लगे तो ये, वो अच्छे लगे तो वो, और लेट PDF के लिए माफ़ी और आपका दिल से धन्यवाद। तो मिलेंगे एक नई प्रैक्टिस नंबर के साथ, जब तक राधे राधे गाइस।